पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए 1 जनवरी से 25 जनवरी तक युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवा मतदाताओं से संवाद किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में भी तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने बताया कि मुरादाबाद की 2 विधानसभाओं में अनेक स्थानों पर प्रधानमंत्री के संदेशों को सुनने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें एक स्थान पर 1000 से अधिक विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि युवाओं को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाए और उन्हें जानकारी दी जाए कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर काम कर रही है और किस तरह से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो अपना वोट दे। 25 जनवरी को पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 50 लाख युवाओं को एक साथ लाइव संबोधित करने जा रहे हैं। हमें संगठन का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक विधानसभा में 2 कार्यक्रम करने हैं, जहाँ 18 से 25 वर्ष के आयु के युवा जो कि पहली बार नवमतदाता के रूप में 2024 में वोट करेंगे, ऐसे युवाओं को आदरणीय मोदी जी का उद्बोधन जो है वो सुनाने का काम करना है। उसी क्रम में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, उसकी जानकारी। किस तरह के कार्यक्रम इसमें मुरादाबाद महानगर के अंदर हमारी 2 विधानसभाएं आती हैं, नगर विधानसभा और देहात विधानसभा। दोनों विधानसभाओं में 2-2 हमारे कार्यक्रम हैं, जिसमें 18 प्लस के जो युवा हैं उन्हें हम एक जगह एकत्रित करके बैठाएंगे और वहाँ लाइव प्रसारण के माध्यम से आदरणीय मोदी जी का संबोधन, जो वो युवाओं से वार्ता करना चाहते हैं, वो कार्यक्रम सुनाएंगे। टारगेट हमारा यही है कि जैसा आप सभी को पता है कि ये जो 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, इन्होंने अपने जीवन में किसी और सरकार को नहीं देखा है। 10 साल पूर्व 18 साल का जो युवा है वो 8 साल का रहा होगा, उसकी समझ ऐसी नहीं रही होगी कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए गए कामों को समझ सके। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया है, हम उस प्रथम बार वोट करने जा रहे युवा से हम उसे समझा सकें कि हमारी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश की उन्नति के लिए, जन सुविधाओं के लिए, जन कल्याण के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या हमारी योजनाएँ चल रही हैं, उनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उन्हें बताएंगे। और सबसे खास बात कि एक 18 प्लस का युवा जो पहली बार मतदान करने की, जिसे एनरोलमेंट कहते हैं, रजिस्टर करता अपने आपको सूची में, उसके वोट का क्या महत्व है, उसकी चर्चा उसके साथ करना हमारा उद्देश्य है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।